एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने भी अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है? लेकिन आप वीडियो डालते डालते थक गए हो, परेशान हो गए हो, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं आपके बिल्कुल भी। वीडियो पे दो चार व्यूज आकर रुक जाते हैं, वो क्या प्रॉब्लम है उसकी? वीडियो में लास्ट तक देखें आप, सारा कुछ प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में लास्ट तक बता देंगे कि क्या दिक्कत है, वीडियो सही तरीका क्या है अपलोड करने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन की ऑल कर लें, जो भी हम इस प्रकार की वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं, अपलोड करते समय कुछ गलती हम कर देते हैं जिससे हमारी वीडियो में व्यूज़ नहीं आ पाते हैं। अगर हमारी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो सब्सक्राइब भी नहीं मिल पाएंगे हमें। सिंपल सी बात है, अगर हमारी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे सब्सक्राइब भी मिलेंगे, और जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो सब्सक्राइब कहाँ से मिल जाएंगे? तो हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में व्यूज़ किस तरीके से आएगा सारा कुछ प्रोसेस आपको बता देंगे, सारा कुछ। क्या दिक्कत होती है वीडियो में? कभी कभी आप वीडियो अपलोड तो कर देते हैं, उसका थंबनेल सही नहीं रहता, टाइटल सही नहीं रहता, टैग सही नहीं लग पाते हैं, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा समझने के लिए। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप कभी भी नहीं करना है। फिर आप बोलोगे हमारे वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, तो आपको वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, प्रॉपर पूरा वीडियो देखना है आपको, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ मालूम पड़ जाएगा इसी वीडियो में। दोस्तों, हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, और मैं आपको फिर बता देता हूँ कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको अपने फ़ोन में YouTube ओपन कर लेना है। YouTube ओपन करने के बाद आपको जो वीडियो अपलोड करना है वो वीडियो यहाँ से अपलोड करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड ए वीडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जौन सा भी वीडियो अपलोड करना है उस वीडियो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तकरीबन स्वागत है आपका हमारे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक आइकन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपने अपने वीडियो का थंबनेल बनाया है उस थंबनेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे वीडियो का थंबनेल ये है, हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, वीडियो का जो आपकी वीडियो है उसका थंबनेल एकदम प्रॉपर बेहतरीन वाला होना चाहिए, जब ही आपकी वीडियो वायरल हो पाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है, वीडियो का टाइटल क्या है, मतलब ये वीडियो किस उसकी बनी हुई है, तो आपको टाइटल यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे दोस्तों हमने इसका टाइटल लिख दिया है, जो आपकी वीडियो का टाइटल हो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइटल लिखने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है, जो आपने यहाँ पे लिखा है। इसको कॉपी करने के बाद आपको नीचे ऐड ए डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा, आपको इसमें इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बहुत बहुत कुछ चीज़ डालनी है। अब यहाँ पे अपनी वीडियो को जो है, यहाँ पे अभी आपको पब्लिक नहीं करना है, इसको अनलिस्ट करके रखना है। अभी आपको अनलिस्ट कर देना है। अनलिस्ट करने के बाद आपको ऑडियंस सिलेक्ट कर लेना है। ऑडियंस क्या है, आपको नो इट्स ए नॉट मेड फॉर किड्स कर देना है इसको, मतलब कि 18 वर्ष से ऊपर के देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो का काम 18 वर्ष से नीचे वालों के लिए है भी नहीं। तो इसको आप अनलिस्ट करके रखना है, पब्लिक बिल्कुल भी नहीं करना है इसको अभी, और इसको अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। अब ये वीडियो हमारा अपलोड हो रहा है। दोस्तों, अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट जो इसकी इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट काम है वो अभी बाकी रह गया है। अभी आप ये नहीं समझो कि वीडियो अपलोड हो गया, अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी इसमें सारा जो मेन काम है वो अभी रह गया है। अब मेन काम क्या है, अब आपको अपने फ़ोन के अंदर YT स्टूडियो ओपन करना है। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपके फ़ोन में YT स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है। YT स्टूडियो आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको YT स्टूडियो ओपन कर लेना है।
वाईटी स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको इसमें वाईटी स्टूडियो डाउनलोड करने ला। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें जाना है अपना। हम वाईटी स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। वाईटी स्टूडियो ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन देखने को मिला होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो हमने अभी अपना वीडियो डाला था, जो वीडियो हमने अभी अपना अपलोड करा था, वो वीडियो यहाँ पर आपका आ चुका है, अनलिस्ट है अभी। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इस पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालना है कि ये वीडियो किस लिए किस प्रकार की है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब फेसबुक पेज का नाम चेंज कैसे करें। तो दोस्तों आपको वो लिखने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिक्कत पड़ेगी वो लिखने के लिए। आपको मैं सिंपल सा बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। आपको जाना है यूट्यूब पर, वापस आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सर्च करना है फेसबुक पेज का नाम कैसे चेंज करें, जो भी आपकी वीडियो है उसका यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है कि उसका नाम कैसे चेंज करें, मतलब जो भी है। अब आपको सर्च करने के बाद यहाँ पे किसी भी वीडियो को आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जिस वीडियो को आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सही लगे, अच्छा लगे, आप उस वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन लेने के लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से ले लेते हैं। डिटेल अब भी चेंज मिलेगी। आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लेना कैसे है, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन लेने के लिए आपको शेयर के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको कॉपी लिंक कर लेना है। कॉपी लिंक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अपने फ़ोन में किसी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपने अभी वीडियो का लिंक कॉपी किया था आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर छोड़ देना है। अब पेस्ट छोड़ने के बाद आपको यहाँ पर मोर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी डिस्क्रिप्शन था उस वीडियो का आपको यहाँ पर यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से थोड़ा डाउन करने के बाद आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद वाईटी स्टूडियो में बैक आना है और अपना आपने जो भी वहाँ पर कॉपी किया था आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों हमारा बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डल चुका है। डिस्क्रिप्शन अब आपको दोस्तों यहाँ पे टैग लगाना है इसका वीडियो का। वीडियो का टैग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब टैग लगाने के लिए आपको दोस्तों मैं एक ऐप और बता देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसको कॉपी कर लेना आपको इतने को। कॉपी करने के बाद वीडियो को यहाँ पर सेव कर देना है क्योंकि दिक्कत पड़ सकती है आपको। अब यहाँ पर आपको मैं एक ऐप के बारे में और बता देता हूँ। आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर YT टूल आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। YT टूल आपको डाउनलोड कर लेना है। इससे क्या है दोस्तों, आपको लिखने में भी बहुत दिक्कत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से जो भी आपके वीडियो का टैग्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ को आपको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा टैग्स, ऑल टैग्स, कीबोर्ड टैग्स, फाइंड कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड पर क्लिक करना है। कीबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो का जो आपका टाइटल है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो भी आपके वीडियो का टाइटल है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप इस गो पे ऑप्शन कर देना है। जब आप यहाँ पर करते हो तो आपका वीडियो का जो भी आपके वीडियो का टाइटल टैग्स हैं यहाँ पर सारे आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब इनको अपने उसमें वीडियो में कैसे ऐड करना है, ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कॉपी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद वापसी जाना है आपको वाईटी स्टूडियो में। वाईटी स्टूडियो में वापस जाने के बाद आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सारे जितने भी हैं इसमें सबको इसी तरीके से करना है।
इसको यहाँ पर अपना पेस्ट कर देना है, जैसे हम कर लेते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट। यहाँ पर हमारे सारे जो भी हमारे टैग्स हैं वो टैग हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब हमने यहाँ पर अपने वीडियो का टैग्स लगा दिए हैं। टैग लगाने के बाद हमारे वीडियो का जो भी टाइटल टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी हो गया, टैग भी लग गए। अब आपको अपने वीडियो का सही समय देखकर, सही समय क्या होगा दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। अभी आपको अपनी वीडियो का सही समय देखने के लिए एनालिस्ट में आना है। एनालिस्ट में आने के बाद आपको ऑडियंस पे क्लिक करना है। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ पर ऑडियंस पाने के बाद आपको व्हेन योर व्यूज़ आर नॉट यूट्यूब, आपको यहाँ पर अपनी टाइम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या आपकी वीडियो में वीडियो किस टाइम अपलोड करनी है आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं 23:23:23.59 यानी कि 11:59 पे, 5:59 पे, 11:59 पे, 17:59 पे, आप जब अपनी वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो 100% पब्लिक होगी, आपकी वीडियो 100% वायरल होगी। अब दोस्तों एक तरीका और है आपकी वीडियो का टैग देखने का। आपको करना है क्या, अपना यूट्यूब ओपन करना। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टर्न ऑन इनकॉग्निटो का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने वीडियो का जो भी अपने वीडियो का टाइटल है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है क्या है। फेसबुक पेज का नाम कैसे चेंज करें दोस्तों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है कि जो पब्लिक सर्च करती है, जिस तरीके से पब्लिक सर्च करती है वीडियो को, वो यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फेसबुक का पेज का नाम कैसे चेंज करें, फेसबुक पेज का नाम क्या क्या रखें, फेसबुक पेज कैसे, तो जब भी कोई यहाँ पर वीडियो सर्च करेगा तो आपकी वीडियो वहाँ पर सर्च आ जाएगी, उसमें देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आपकी वीडियो वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी आपको छोड़ देना है, जब आपके वीडियो का टाइम हो तो आपको अपने सही टाइम पे वीडियो अपलोड कर देना है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। जो भी हम इस प्रकार का और दूसरा वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और चलते हैं सीधा।